Hello and Namaste, myself Surajam Sahu from MindMagma, and in this video we are going to start our new topic, which is methane layering and radon gas. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस कॉन्सेप्ट. इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, इन विच इन फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर अबाउट थ्री टॉपिक्स, विच इज मीथेन लेयरिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग मीथेन लेयरिंग एंड वॉट इज लेयरिंग नंबर, एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर अबाउट रेडॉन गैस, गैस डिटेक्शन मेथड्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ मीथेन. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सो फर्स्ट मीथेन बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मीथेन लेयरिंग होता क्या है. सो बेसिकली मीथेन लेयरिंग का मतलब यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मीथेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो एयर से कम है, जिसके वजह से वो काइंड ऑफ फ्लो करने लगता है. वो उसका जो वेट है वो एयर से भी कम है, तो उसके हिसाब से वो फ्लो करने लगता है और थोड़ा सा राइज अप होता है अपने एरिया से. जहां से वो लीक होता है वो सडनली, और कहां पे हमको बेसिकली मीथेन का जो एक्यूमुलेशन वो मिलता है, वो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हमको रूफ पे मिलता है, बिकॉज वो राइज अप होके वहां रूफ पे एक्यूमुलेट होने लगता है. कोई भी अगर कैविटी है या फिर रूफ सरफेस पे, वहीं पे हम लोगों को मीथेन मिलता है. तो वो जो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर, उसको हम मीथेन लेयरिंग बोलते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट मीथेन हैज अ टेंडेंसी फॉर स्ट्रीमिंग पर्टिकुलरली इन स्टीपली डिपिंग रोडवेज ड्यू टू लो डेंसिटी. सो इसका मतलब क्या है कि मीथेन हैज अ टेंडेंसी फॉर स्ट्रीमिंग. स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? फ्लो करना. बिकॉज फ्लो क्यों कर पा रहा है वो? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो जो है वो थोड़ी कम है एयर के थ्रू, तो वो सडनली वो फ्लो कर सकता है. सो पर्टिकुलरली इन स्टीपली डिपिंग रोडवेज ड्यू टू लो डेंसिटी, तो उसका एक टेंडेंसी है कि वो फ्लो कर सकता है. तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं जैसे कि दो चीजें, एक है हमारा लेवल एयर वे और एक दूसरा है हमारा डिसेंटली वेंटिलेशन एयर वे. तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? लेवल एयर में क्या है, हमारा जो एयर वे है वो स्ट्रेट है, तो हमारा जो अक्यूमुलेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा अक्यूमुलेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, या फिर इसको हम मीथेन लेयरिंग बोल रहे हैं. एंड सेकेंड इज डिसेंशियली वेंटिलेशन. डिसेंशियली वेंटिलेशन में हमारा जो एयर वे है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा इंक्लाइन पे ऊपर है, तो उस सिचुएशन में ऐसे यहाँ पे मीथेन के लेयर्स यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते होगे. सो दैट इज ऑल लेवल एयरवे एंड डिसेंशियली वेंटिलेशन एयरवे. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन मीथेन इज एमिटेड एट रूफ ट्रेवल्स अप डीप इन अ लेयर नियर रूफ डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट एंड रफनेस ऑफ रूफ. इसका मतलब क्या है कि जो भी हम, जैसे कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बोला कि अब जो हमारा मीथेन है उसका जो क्या है वेट है वो हमारा कम है, तो इसलिए वो एमिट करके रूफ पे जा रहा है. रूफ में जाके वो ट्रैवल उसी डायरेक्शन में करेगा जिस हिसाब से वेलोसिटी, जो भी एयर फ्लो है, एयर करंट है, हमारा रूफ का रफनेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो मूव करेगा, मीथेन जो है वो मूव करेगा. दैट इज आवर सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज ब्यूएंसी ऑफ मीथेन विद रेस्पेक्ट टू एयर, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.554 है. इसको आप नोट कर लीजिए, यह है 0.554 जो कि है एयर से भी कम, एयर की होती है 1.000 और ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मीथेन. तो ये जो है ये एक टेंडेंसी, इट प्रोड्यूसेस अ टेंडेंसी फॉर कॉन्सेंट्रेटेड मीथेन टू कलेक्ट इन रूफ कैविटी एंड टू लेयर अलोंग द रूफ ऑफ एयरवेस और वर्किंग फेसेस. जैसा कि मैंने आपको अभी पहले दो पॉइंट्स में बताया था कि मीथेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो एयर से कम है, तो इसी के वजह से ये जो है जो मीथेन हमारा एमिट हो रहा है वो जाके रूफ कैविटी जो होती है वहां पे कभी कलेक्ट होकर रुक जाता है, या फिर वो जहां पे एयरवेज उसको लेके जाएगा उसी के साथ साथ वो वहां पे लेयर फॉर्म करता रहेगा. जैसे कि हमारे राइट साइड में आप देख सकते हो लेवल एयरवे और डिसेंशियली वेंटिलेशन एयरवे में. ये हो गया हमारा मीथेन लेयरिंग के बारे में. लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट, व्हिच इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मीथेन लेयरिंग. मीथेन लेयरिंग में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे छह फैक्टर है, सिंपल फैक्टर्स. फर्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ वेंटिलेशन एयर सिस्टम, मतलब एयर स्ट्रीम, जैसा कि वेलोसिटी है तेज है कम है कैसा है, उस पर डिपेंड करता है मीथेन लेयरिंग का फॉर्म कर पा रहे कि नहीं. जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा कि जैसी वेलोसिटी या फिर रूफ कैविटीज, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मीथेन लेयरिंग है या फिर मीथेन गैस है वो फ्लो करता है. सो दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, टाइप ऑफ वेंटिलेशन कौन सा है उस पर भी हमारा मीथेन लेयरिंग फैक्टर अफेक्ट करता है. थर्ड इज विड्थ ऑफ एयर वे, एयर वे का जो विड्थ है वो कैसा है, उस पर भी हमारा मीथेन लेयरिंग पे थोड़ा सा फैक्टर मतलब इफेक्ट करता है. फोर्थ इज रेट ऑफ गैस एमिशन, गैस कितना एमिट कर रहा है हमारा, उस पर मीथेन लेयरिंग कितना फॉर्म कर रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उसके भी थोड़ा सा मीथेन लेयरिंग डिपेंड कर रहा है. फिफ्थ इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैस, जो रिलेटिव डेंसिटी है हमारी, जैसे कि मैंने बोला था कि डेंसिटी जो हमारी मीथेन की है दैट इज 0.554, तो ये कम है कंपेयर टू एयर, तो ये चीज भी एक फैक्टर होती है जो एयर रिलेटिव डेंसिटी है जो एयर और गैस के बीच में, वो चीज भी एक फैक्टर होता है जो मीथेन लेयरिंग को इफेक्ट करता है. एंड लास्ट इज इंक्लिनेशन ऑफ एयरवे, जैसा कि मैंने लास्ट
और फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि इंक्लिनेशन और डिसेंशियली वेंटिलेटेड एयरवे, जैसा हमने बोला था कि जिसमें थोड़ा सा जो एयरवे है वो इंक्लाइंड है, तो उस चीज पे भी ये चीज देख मतलब डिक्लाइंड है उस पे भी ये चीज देख सकते हैं आप। तो ये एक फैक्टर से, छह फैक्टर से जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मीथेन लेयरिंग, जैसा कि फर्स्ट इज आर velocity, second is our types of ventilation, third is width of airway, fourth is rate of gas emission, then relative density of air and gas, and last is inclination of airway. तो ये हो गए छह factors जो methane layering को effect करते हैं। Let's go to our next part, which is layering number. Layering number क्या होता है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। Layering number basically it is the stability of methane layer as well as their length is indicated by dimensionless layering number. एक layering number देते हैं हम लोग, वो चीज उस पर क्या, वो layering number हमको क्या बताता है, एक stability बताता है methane layer का, जो methane layer हमारा form कर रहा है उसकी stability क्या है और उसका length क्या है, कितने length तक है वो, तो वो चीज के बारे में effective length of layer, वो चीज और यहाँ पे layering number, ये चीज है। इससे क्या पता चलता है हमको, the stability of methane layer as well as their length is indicated by a dimensionless layering number. तो ये चीज हो गया हमारा kind of definition, layering number होता क्या है। तो यहाँ पे आप इसका formula देख सकते हो, L is equal to V by bracket में G, rho P, then bracket में rho, delta rho, then Q by W, 1:3, और यहाँ पे V by 4.32 Q by W and 1/3, जहाँ पे ये सारे जो अलग अलग यहाँ पे हमने यूज कर रखे हैं काइंड ऑफ जो वेरिएबल्स को हमने यूज किया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डेल्टा रो जो है वो हमें बोल रहा है डेंसिटी डिफरेंस ऑफ एयर एंड मीथेन, डेंसिटी डिफरेंस क्या है वो चीज यहाँ पे बता रहा है। देन सेकंड इज रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, सेकंड इज वी, नेक्स्ट इज वी, वी है हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर, हमारा एयर का जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है, नेक्स्ट इज क्यू, क्यू है हमारा क्वांटिटी ऑफ मीथेन एमिटेड इन टू द रोड बेस, कितना एमिट किया हमारा मीथेन रोड बेस पे वो चीज है हमारा क्यू, एंड लास्ट इज डब्ल्यू विच इज द विड्थ ऑफ द एयर वे। ये हो गया हमारा लेयरिंग नंबर के बारे में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, इन दिस पार्ट वी कवर्ड थ्री टॉपिक्स, और हमने इस टॉपिक का स्टार्ट किया जिसमें हमने पहले पढ़ा मीथेन लेयरिंग के बारे में, एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, छह फैक्टर्स हमने देखे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे मीथेन लेयरिंग को, एंड लास्ट में हमने पढ़ा लेयरिंग नंबर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज को हमने समझा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, सो थैंक यू फ्रॉम माई मैम।